नमस्कार दोस्तों, संदीप शो 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पप्पू रिक्शे वाले, आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, जल्दी बताओ काहे के लिए बुलाया है हमको, रिक्शा लेके जाना है। अरे चले जाइएगा, पहले ये बताइए कि लोगों के लिए रिक्शा क्यों खास है? जल्दी ऑफिस पहुँचने के लिए, ट्रैफिक में जाम में टाइम बचाने के लिए, सुरक्षित घर पहुंचने के लिए, सभी प्रकार से रिक्शा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बाकी लोगों को जो परेशानी होती है वो क्या परेशानी? कैसी परेशानी? कोई परेशानी परेशानी नहीं होती। 70% एक्सीडेंट मुंबई में ऑटो रिक्शा की वजह से होता है। आप लोग नागिन की तरह रिक्शा चलाते हैं। अब कार वालों को, बाइक वालों को गाड़ी चलाना आता ही नहीं है तो इसमें रिक्शे वालों का क्या दोष है? अरे गाड़ी चलाना एक कला है, एक आर्ट है। ये सब रिक्शे वाले को देखिए और सीखिए। गाड़ी कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, कब रोकना है, ये सब रिक्शे वाले को देखकर सीखिए। अब बाकी लोग अपनी कार बाइक लेके चाहे नाले में घुस जाएं, आपको मतलब नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, हम लोग सबसे सेफ रिक्शा चलाते हैं। अब किसी को कार बाइक चलाना नहीं आता तो हम लोग क्या करें? आप लोगों पर एक आरोप है कि आप लोग जहां भी सवारी देखते हैं वहीं रिक्शा रोक देते हैं, ये भी नहीं देखते कि कोई कार वाला पीछे आ रहा है या बाइक वाला। अब सवारी रिक्शा आवाज देती है, हम लोग रोक देते हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है, इसमें हमारी क्या गलती है? और बाइक और कार वालों को भी सोचना चाहिए, चलिए सवारी बैठ रही है, एक मिनट रोक देते हैं, लेकिन नहीं, हार मार मार के ऐसी की तैसी कर देते हैं। मतलब आपकी सवारी को बैठने के लिए बाकी वाहन रुक जाए? अरे हम ही नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक दूसरे के सहयोग से ही तो समाज चलता है। आप रिक्शे वालों की एक आदत बहुत खराब है, जो आपके रिक्शा में नहीं जाना चाहता उसे भी पूछते हैं कहाँ जाना है, आओ छोड़ दूँ। नहीं 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 नहीं, देखिए हम रिक्शे वालों का एक कर्तव्य होता है, एक आदमी पैदल घर जा रहा है या पैदल ऑफिस जा रहा है तो हम लोग पूछ लेते हैं कि कहाँ जाएंगे, आइए छोड़ देते हैं। देखिए हम रिक्शे वालों को भी बुरा लगता है कि एक आदमी एक औरत पैदल घर जा रही है, इसलिए पूछ लेते हैं। क्या किराया नहीं लेते? अरे किराया का क्या है, 10-5 रुपए कम दे दें। अच्छा मैंने देखा है कि कई रिक्शा वाले पान या गुटखा खाते हैं, गुटखा खाते रहेंगे और बगल से थूकते रहेंगे, ये भी नहीं देखते हैं कि किसी के मुंह पे जा रहा है थूक या किसी के कार पे जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अब देखिए दिन में हम लोग 10 से 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं, अब 12-12 घंटे मन लगाने के लिए कभी गुटखा खा लिए, कभी पान खा लिए तो मन लगा रहता है। आपका गुटखा खाने से मन लगा रहता है वो तो ठीक है, लेकिन किसी का मुंह, किसी की कार और सड़क लाल पीली कर देते हैं उसका क्या? अरे हम लोग सावधानी रखते हैं, गुटखा खा के नहीं थूकते कभी कभार। आपको क्या लगता है आप लोगों से भी खराब गाड़ी कौन चलाता है? हम लोगों से तो सभी खराब चलाते हैं, लेकिन ये जो डिलीवरी वाले हैं ना गुरु, ये बहुत खतरनाक चलाते हैं। पार्सल वाले? अरे हाँ, इनका सिग्नल से कोई मतलब ही नहीं है, एक इधर से बाइक निकाल रहा है, एक इधर से साइकिल निकाल रहा है, इनको ट्रैफिक से कोई मतलब ही नहीं है, इनका बस ऑर्डर पहुंचना चाहिए बस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शो में आए, हमसे बहुत सारी बातें की, और सभी रिक्शे वालों को एक संदेश है कि थोड़ा रिक्शा सावधानी से चलाएं। नमस्कार। नमस्कार, चलो सवारी का टाइम हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे पप्पू रिक्शे वाले जिनसे हमने बातचीत की। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.